उसमें उन्होंने बोला कि जैसे कि ओ में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है मतलब जिसे रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं जिनको सोशली इकोनॉमिकली एक उनका स्ट्रेचर बन चुका है अब उन्हें अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए उनके लिए जिनके पास रिजर्वेशन का जिनके पास जिनको लाभ नहीं मिला है उनके लिए तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस सी में भी जो लोग आगे बढ़ चुके हैं जिनको सोशली की सोशली और इकोनॉमिकली जिनका अपलिप्टमेंट हो चुका है उनको अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है तो क्रीमी लेयर की बात करी किसमें एस सी और एस टी में तो इसी को एक तरीके से इससे असहमति जताते हुए आदित्य नारायणी ने इस आर्टिकल को लिखा है इसके बारे में अभी हम देखेंगे उससे पहले एक बार रिजर्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिजर्वेशन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था तो रिजर्वेशन इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एज ओल्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया जो कि प्रेवलेंट था मेडिवल पीरियड में एंशियट पीरियड में और उसके बाद भी जब अंग्रेज आए उस टाइम भी और जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम भी तो एज ओल्ड जो कास्ट सिस्टम था जो कास्ट सिस्टम हम हमारे पूरे देश में फैला हुआ था उसका ही एक तरीके से रिजल्ट है रिजर्वेशन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजाति के लोग हैं उनको दिया उनको प्रोटेक्शन के लिए ताकि उनका सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हो पाए क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकली इंजस्टिस हुआ जो कि अगड़ी समाज में जो अधिकार मिलते थे लोगों को वही अधिकार पिछड़ी जाति के लोगों के पास नहीं थे इसलिए उनको एक तरीके से रिजर्वेशन दिया गया उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन दी गई तो रिजर्वेशन इज लाइक सिक्योरिंग अ से इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी रिजर्वेशन क्या है रिजर्वेशन गवर्नमेंट के अंदर मतलब एक से से रखना है मतलब गवर्नमेंट में अगर ज, उसी जाति के लोग बैठेंगे तो वह उनकी पीड़ा भी समझ सकेंगे और उनके लिफ्टमेंट के बारे में बात कर सकेंगे ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई रिजर्वेशन के बारे में सबसे पहली बार बात करी थी विलियम हंटर ने और ज्योतिबाई फूले ने इन्होंने कास्ट बेस्ड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में बात किया था इन्होंने कहा था कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए और ये कौन थे यह एक सोशल एक्टिविस्ट थे कौन थे ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे जो खुद भी पिछड़ी जाति से ही बिलोंग करते थे और इनको अपने पढ़ाई लिखाई में अपने बचपन में बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा और ये फिर भी पढ़े लिखे इनकी जो वाइफ थी वह भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी उनको स्कूल्स खोले इसमें इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी यह बात भी फैलाई कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए और इनको काफी ज्यादा फंडिंग मिली किससे फंडिंग मिली साहू महाराज से मिली जो कि कोल्हापुर के शासक थे तो एक तरीके से ज्योतिबाई फुलों ने पहली बार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में बात करी और विलियम हंटर कौन थे इन्होंने भी बात करी ये थे एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा के अध्यक्ष ठीक है आगे देखते हैं अभी जो हम जिस जिस अभी जो हम रिजर्वेशन देख रहे हैं वह स्टार्ट कैसे हुआ वह यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ उसकी जो नींव कम्युनल अवार्ड से हम उसको देख सकते हैं कम्युनल अवार्ड से कैसे कि कम्युनल अवार्ड लाया गया था ब्रिटिश पीएम एम मैकडोनाल्ड ने इन्होंने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया और इसमें उन्होंने कहा कि हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रेट रखेंगे किसके लिए मुस्लिम के लिए सिख्स के लिए इंडियन क्रिश्चियन के लिए एंग्लो इंडियंस के लिए यूरोपियंस के लिए और दलित के लिए इसमें उन्होंने कहा कि जिस जाति का जो लोग जो व्यक्ति है वो अपनी ही जाति को सिर्फ वोट दे सकेगा ऐसा नहीं है दूसरी जाति के लोग उसको वोट या उसको नहीं वोट नहीं दे, नहीं दे सकते मतलब जो जाति के जो जो सेम जाति के लोग हैं वही एक दूसरे को वोट दे सकते हैं इसमें मतलब एक सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात करी किसने राम से मैकडोनाल्ड ने पर इसको जब गांधी जी ने देखा कि ऐसे दलित और हिंदुओं को अलग करने की बात करी जा रही है मतलब एक तरीके से दलित को हिंदुओं से अलग करने की बात करी जा रही है तब वह आमरण अनशन पर बैठ गए और इसकी वजह से पूना पैक्ट हुआ किसके बीच में किसके बीच में हुआ पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में यारवाड़ा जेल में उसके बाद क्या हुआ कि हमें आजादी के बाद रिजर्वेशन तो मिल गया एस सी को बट ऐसे भी कुछ अभी भी जातियां बची हुई थी जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला था पर उनके साथ हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुई थी तो उसको उस चीज को ठीक करने के लिए 1978 में बीपी मंडल कमीशन बैठता है उसके अध्यक्ष कौन थे बी मंडल थे जो कि बिहार के सीएम भी रह चुके थे इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी 1978 में बैठी थी कमीशन इन्होंने अपनी अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी कब दी 1980 में जिसको उस टाइम तक दबा दिया गया था पर 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने ये सारी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जब ये एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने यह बोला कि हम इस रिकमेंडेशन को अपनी सहमति देते हैं बी मंडल के जो भी रिकमेंडेशन है हम उसको सहमति देते हैं तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यह कहा उन्होंने कि यह तो डिस्क्रिमिनेशन है इस पे इंदिरा सोनी केस का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का उसमें उन्होंने कहा कि जो बीपी मंडल की कमीशन है सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह बिल्कुल सही है पर इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना रखा जाना चाहिए पहली चीज़ तो रिजर्वेशन को पचास से ज़्यादा नहीं करना चाहिए सेकेंड चीज़, चीज़ प्रमोशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए थर्ड चीज़, चीज़ कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए मतलब जिनको पहले ही रिजर्वेशन मिल चुका है रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है मतलब वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ चुके हैं फिर वह रिजर्वेशन नहीं लेंगे ताकि जिनको लाभ नहीं मिला है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल पाए तो ये तीन शर्तें रखीं इंदिरा सोनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद का क्या है कि अभी जो हम हमें रिजर्वेशन मिल रखा है वह एक तरीके से बीपी मंडल कमीशन में जो जो चीजें रिकमेंडेशन थी उसी बेसिस पे मिल रखा है सत्ताईस परसेंट नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि रिजर्वेशन होना क्यों जरूरी है रिजर्वेशन होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली इंजस्ट्रिस हुआ मतलब दो लोगों के बीच में अलग अलग उनके साथ व्यवहार होता था किसी के साथ बहुत अच्छा और किसी के साथ बहुत बुरा दूसरा चीज़ उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए भी रिजर्वेशन होना जरूरी है लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह अगली बार भी गरीबी रह जाएगा क्योंकि उसके बच्चे तो पढ़ ही लिख नहीं पाएंगे तो अगली पीढ़ी भी उनकी गरीबी रहेगी और जो अमीर है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा भी और उसके पास बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे तो उनको इस गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए मतलब उस गरीब

गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन ना हो तो इसलिए रिजर्वेशन होना जरूरी है कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी रहते हैं वे क्यों रहते हैं क्योंकि यह है एक तरीके से कंट्री को डिवाइड करता है समाज को तोड़ने की बात करता है तोड़ने की बात करता है तो इसकी वजह से दुश्मनी भी बढ़ती है एनिमिटी भी बढ़ती है जैसे कि अभी हमने बांग्लादेश में देखा जो कि एंटी कोटा प्रोटेस्ट था उसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंटी कोटा हो गए थे मतलब रिजर्वेशन को पसंद नहीं कर रहे थे सेकंड इज इसपेचुएट द नोशन ऑफ कास्ट इन सोसाइटी मतलब जब एक बच्चा होता है बच्चा जब बड़ा होता है तब तक उसे पता ही नहीं रहता कास्ट होता क्या है फिर जब वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है तब उससे पहली बार पूछा जाता है और उसके बाद जितनी बार भी वो फॉर्म भरता है उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि वो किस जाति का है कौन सी जाति से बिलोंग करता है नीची जाति का है या ऊपर जाति का है यह उसे बार बार एहसास दिलाया जाता है तो ये जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है इसको तो ये परपेचुएट कर रहा है रिजर्वेशन ठीक है इसको रोक नहीं रहा है इसको और फैला रहा है थर्ड इज सोशली डिसएडवेंटेज इसमें यह पॉइंट रखा गया है कि जो पहले जो लोग सोशली बैकवर्ड थे वह अभी भी सोशली बैकवर्ड ही रह गए हैं मतलब इकोनॉमिकली हो सकता है उनके पास थोड़े बहुत पैसे हो गए हों बट अभी भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड फील करते हैं अभी भी उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन ने उनका ज़्यादा फायदा नहीं किया हमें कुछ दूसरा अप्रोच लगाने की जरूरत है फोर्थ इज रिजर्वेशन डिस्ट्रॉय सेल्फ रिस्पेक्ट ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे जो कि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनसे अगर आप उनका कास्ट पूछेंगे तो वह अपना कास्ट ना बता के वह अपना कुछ और ही कास्ट बताने लगेंगे इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड फील करते हैं वे ह्यूमिलेटेड फील करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए इसलिए रिजर्वेशन ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया फिफ्थ इज बिगेस्ट एनिमी टू मेरिटोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरिटोक्रेसी में जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई uh, फील्ड है फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड है अगर वहाँ पे रिजर्वेशन उन्हें लग गया तो जो कम अंक का व्यक्ति है जिसने कम अंक लेके आया एग्जाम में वह आगे बढ़ जाएगा और जिसने जो ज़्यादा अंक लेके आया जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वह पीछे रह जाएगा तो जब जो कम अंक लाने वाला जो व्यक्ति है वह बाद में जब डॉक्टर बनेगा तो क्या सिचुएशन होगी वो आप समझ सकते हैं सिक्स इज टूल टू मिट मीट नैरो पोलिटिकल एंड ठीक है पॉलिटिकल पार्टी इसे इसका इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करने के लिए इज टूल ऑफ डोमिनेंट एंड एलिट क्लास जो कि पिछड़ी जाति है हमारे पिछड़ी जाति के जो भाई हैं उसमें भी जो डोमिनेंट क्लास बन गया है वह कुछ जाति है उसका फायदा उठाती है अपनी हजमनी बना के रखने के लिए फायदा लेने के लिए एथ इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्लूजन रेदर देन इंक्लूजन ये तो एक्सक्लूजन को बढ़ा रहा है ना कि इंक्लूजन को बढ़ा रहा है ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं अब सीधे एक बार आर्टिकल पे आते हैं इसमें इन्होंने लिखा था हु इज़ हु इज़ द प्रिवलेज दलित मतलब प्रिविलेज दलित के बारे में बात की इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल लेकर बताया इन्होंने अपना एग्जाम्पल लेकर बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो यह भी अपनी पिछड़ी जाति से बिलोंग करती हैं ये भी शुद्ध है तो जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो जहाँ पर यह रहती थी वहाँ की वहाँ की लैंड को इन्होंने कहा कि पानी में कोई समस्या आ रही है तो क्यों ना ये बुला के आ, अपनी टंकी साफ़ करवा ले मतलब इन्होंने कहा कि मैं किसी को बुला लेती हूँ और टंकी को साफ़ करवा लेती हूँ तो जो लैंडलॉर्ड थी उन्होंने कहा उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया ये वर्ड मैं आप इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा और कहा कि वो लोग आएंगे तो जो ये टंकी है उसको पॉल्यूट कर देंगे तो इन्होंने सोचा कि ये खुद भी ये खुद भी तो पिछड़ी जाति से बिलोंग करती हैं मतलब ये खुद पिछड़ी जाति से बिलोंग करती है और जब ये उनसे पैसे ले रही है तब इनको बुरा नहीं लग रहा पर जब दूसरा कोई व्यक्ति जो कि पिछड़ी जाति का है इनकी पानी की टंकी को छू देगा तो इनको लग रहा है कि इनका पोल्यूशन हो जाएगा मतलब पैसे लेते टाइम इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जब उनकी टंकी को छू लेगा कोई व्यक्ति पिछड़ी जाति का तो लग रहा है कि पोल्यूशन हो जाएगा इसका मतलब क्या कि ये इकोनॉमिकली तो आगे बढ़ चुकी है पर तो सोशली अभी भी बहुत पीछे रह चुके हैं मतलब इनके पास पैसे तो जरूर हैं पर अभी भी इनका आत्मसम्मान इनके पास सम्मान नहीं है सोसाइटी में इनका कोई सम्मान नहीं है इसके बाद आगे बात करती हैं आगे जो राइटर है आदित्य वो बात करती हैं कि हम लोग ये डिसाइड कैसे करते हैं मार्जिनलाइज्ड सबसे ज़्यादा है कॉन इसका पैरामीटर डिसाइड करने का क्या है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बात तो कर दिया कि क्रीमी लेयर होना चाहिए पर क्रीमी लेयर है क्या मतलब सिर्फ क्या इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली कोई आगे बढ़ गया तो क्या वो क्रीमी लेयर के अंदर आ जाता है अगर इकोनॉमिकली आगे बढ़ गया और वो क्रीमी लेयर के अंदर आ जा रहा है इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट जो बेसिस लिया था जिस बेसिस पे हम लोग का रिजर्वेशन आया हम लोग उसी को फॉलो नहीं करे क्योंकि जो रिजर्वेशन आया था वो आया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होने पे मतलब हम लोग सोसाइटी में पीछे हैं ना कि इकोनॉमिकली सिर्फ पीछे हैं मतलब हम लोग सोसाइटी में पीछे रह गए तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट तो अभी भी हुआ नहीं इसका एग्जाम्पल देकर कह रही हैं वो कि एक दलित आई ऑफिसर है जो कि उन्नीस में उन्नीस सॉरी दो में जब शादी के दिन इनको अपना प्रोसेशन निकालना था तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी थी मतलब कि जो 2022 तो बहुत मॉडर्न टाइम है मतलब एक दो साल पहले ही हरियाणा में ये अपना प्रोसेशन नहीं लगा पा, निकाल पा रहे थे क्योंकि यह दलित समाज से बिलोंग करते हैं तो ये कह रहे थे कि आईपीएस के पास बहुत पैसे भी हैं और इनका रुतबा भी है पर इसके बाद भी सोसाइटी में इनको एक्सेप्ट नहीं कराया जाता है तो हम लोग क्रिमिलेयर कॉन्सेप्ट कैसे ला सकते हैं इसका तो कोई पैरामीटर है ही नहीं आगे बात करती है कि अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिज्म बढ़ रहा है मतलब रिजर्वेशन के खिलाफ भी लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही कू हुआ है किसकी वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट किस वजह से कर रहे थे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे एंटी रिजर्वेशन के प्रति ठीक है और इन्होंने एक और आ, एक एक और एग्जाम्पल दिया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने यह कहा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जिन्होंने जिसमें उन्होंने एफर्मेटिव एक्शन बताए जो कि लोग थे जो पीछे रह गए थे जो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे जो कि सोशली पीछे थे उनके लिए जो एफर्मेटिव एक्शन लिए जाते हैं जैसे हमारे देश में रिजर्वेशन है वैसे यूएसए में भी कुछ है तो उसके खिलाफ उसके लिए जो एफर्मेटिव एक्शन लिए जाते हैं उसको डिस्क्रिमिनेटरी बताया और उसे गलत बताया सुप्रीम कोर्ट ने तो यही ज, यही इसी का एग्जाम्पल लेते हुए राइटर कहती हैं कि अभी जो पूरे वर्ल्ड में रिजर्वेशन कंजर्वेशन के प्रति मतलब हीन भावना बढ़ती जा रही है और कंजर्वेटिविज्म बढ़ती जा रही है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि हमें एक पैमाना पहले सेट करना पड़ेगा जिस बेसिस पे हम यह डिसाइड करें कि हाँ कि हाँ क्रीमी लेयर नाम की भी पिछड़ी जाति में कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं आगे राइटर बात करते हैं कि स्टेट को कॉम्प्रिहेंसिव एम्पेरिकल एविडेंस के साथ स्टडी करनी चाहिए या देखना चाहिए एक कास्ट बेस सर्वे करना चाहिए देखना चाहिए कि किस कास्ट के कितने लोग हैं और उनकी कितनी आय है और देखना चाहिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है मतलब अच्छी तरीके से पूरा कास्ट बेस सर्वे होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ कौन किस कौन सी कम्युनिटी के पास कितने पैसे हैं सेकंड उन उनका कहना है कि यह जो कास्ट बेस सर्वे है यह सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे नहीं होता होना चाहिए मतलब इकोनॉमिकली नहीं होना चाहिए कि किसके पास कितने पैसे हैं उनको सोशली भी देखना चाहिए और सोशली देखने के लिए भी कुछ पैरामीटर सेट करने चाहिए कि सोशली आप कैसे चेक करेंगे कि हाँ कौन सी जाति है जो अपने उससे आगे बढ़ चुकी है और उन्हें अब क्रीमी लेयर में डालने की जरूरत है इसके लिए पूरा प्रॉपर पैरामीटर होना चाहिए इसी को अपनी बात को एंड करते हुए इन्होंने एक तरीके से असहमति जताई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से थैंक यू